हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम वैदिक मैथ की ट्रिक सीख रहे हैं। देखिए, अगर आपको मल्टीप्लाई करना है किसी भी नंबर को 12 के साथ, 13 के साथ, 14 के साथ, कितना इजी है वो चीज़ देखते हैं हम यहाँ पे। ये देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई भी बड़े से बड़ा नंबर है, 1216 ऐसा कुछ नंबर है, इसको आपने 12 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 1216 को आपने 12 के साथ मल्टीप्लाई करना है। आप सिंपली करोगे क्या, 12 क्या है, एक टू डिजिट नंबर है, ठीक है। तो आप एक ज़ीरो लोगे, एक ज़ीरो आप यहाँ आगे लगा दोगे, एक इसके पीछे, ये दो ज़ीरो आप यहाँ पे ऐसे लगा दोगे। अब ये टू डिजिट हैं तो हमें टू का पेयर बनाना है, ये टू डिजिट हैं तो हमने क्या करना है, टू का पेयर बनाना है। ये देखिए, फिर आप उसमें फर्स्ट नंबर को क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय टू कर दोगे। ध्यान से समझ लेना, एक बार आप समझ लोगे उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप कैलकुलेशंस अपने माइंड में ही करने लग जाओगे। एक बार इसको आप मल्टीप्लाई बाय टू कर दोगे और प्लस क्या कर दोगे, ये नेक्स्ट वाला नंबर, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई बाय टू कर दोगे और प्लस में क्या कर दोगे, ये ज़ीरो को प्लस कर दोगे। अब हमने सिक्स को मल्टीप्लाई बाय टू किया तो हमारे पास क्या आया, ट्वेल्व आया। तो हम टू रखेंगे और वन हम क्या कर देंगे, कैरी में रख देंगे। अब नेक्स्ट नंबर उठाएंगे, ठीक है, एक नंबर हमने इसको छोड़ दिया, अब हम नेक्स्ट नंबर उठाएंगे, पेयर क्या बनेगा, ये वाला पेयर बनेगा और हमने सिर्फ फर्स्ट नंबर को टू से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ये नंबर मेरे पास हो जाएगा टू, टू प्लस सिक्स मेरे पास क्या हो जाएगा, एट। क्लियर हो गया। अब देन नेक्स्ट नंबर उठाऊंगी, टू इंटू टू फोर, फोर प्लस वन फाइव। अब देन नेक्स्ट नंबर, देन ये वन इंटू टू टू, टू प्लस टू फोर। क्लियर हो रहा है। देन ये नेक्स्ट नंबर, ये इसको जीरो, इसको टू से करूंगी, ये जीरो ही रह जाएगा, जीरो प्लस वन वन। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये वन फोर फाइव नाइन टू, ये आ जाएगा जी आपका आंसर। क्लियर हुआ। एक क्वेश्चन और करते हैं, आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने कोई नंबर ले लिया, लेट्स सपोज मैंने कोई नंबर ले लिया टू थ्री वन टू फोर, चलो ऐसा कोई नंबर ले लिया मैंने, इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है 12 के साथ। अगेन 12 वाले ही सीखते हैं, आपको 13 14 सारे अभी आ जाएंगे, देखना। 12 के साथ आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, तो टू डिजिट नंबर है, आप सिंगल ज़ीरो लगाओगे इसके यहाँ पे आगे और सिंगल ज़ीरो लगा दोगे पीछे, इस तरह से आप इसके ज़ीरो लगा दोगे, ठीक है। अब हमने बनाने हैं पेयर्स, पेयर बनाने के बाद जो पहले वाला नंबर है इस टू के साथ उसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मैंने ये पेयर बनाया, ये जो नंबर फोर है इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, टू के साथ मैंने मल्टीप्लाई करना है और प्लस क्या कर देना है, नेक्स्ट वाला नंबर। तो मेरे पास आ गया एट, तो यहाँ पे एट आ गया। देन टू को मैंने मल्टीप्लाई करना है, टू इंटू टू फोर, फोर प्लस फोर एट। देन मैंने इस वन को मल्टीप्लाई करना है तो वन इंटू टू टू, टू प्लस टू फोर आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। अब किसको करना है, थ्री को करना है, ये थ्री इंटू टू सिक्स, सिक्स प्लस वन सेवन आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टू आ रहा है, टू इंटू टू यहाँ पे करूँगी, टू इंटू टू फोर, फोर प्लस थ्री क्या आ जाएगा, सेवन, ठीक है। देन अब ज़ीरो की टर्न आ गई, ज़ीरो को टू से करूँगी, ज़ीरो ही रह जाएगा, ज़ीरो प्लस टू टू आ जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखा आपने कितना इजी हो गया। ऐसे ही देखिए, अब हम 13 का सीखते हैं, यही नंबर ले लेते हैं, टू थ्री वन टू फोर। अब मैंने 12 के साथ आपको मल्टीप्लाई करना सिखाया, अब हम इसको 13 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अब वही चीज़ है, टू डिजिट नंबर ही है तो हम एक ही ज़ीरो लगाएंगे, आगे और पीछे दोनों तरफ एक एक ज़ीरो लगा देंगे। अगेन वही पेयर बनेंगे, बस इसमें डिफरेंस क्या आएगा, पहले आप मल्टीप्लाई किससे कर रहे थे, देखिए यहाँ पे 12 था तो आप 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे 13 है तो आप क्या करोगे, 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाला नंबर उठाते हैं, ऐसे ही करते हैं, ये पेयर बनेगा तो इसका फर्स्ट वाला नंबर ही उठाएंगे, तो 4 को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 के साथ, तो ये आ जाएगा आपके पास 12। तो ये 2 आप रखोगे और 1 आप कैरी में ले जाओगे, ठीक है, 2 आप रखोगे 1 आप कैरी में ले जाओगे। नेक्स्ट नंबर आया आपके पास 2, इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, 3 के साथ, तो ये आपके पास आएगा 6, 6 प्लस 4 10, तो ये आप क्या करोगे, 0 आप रखोगे, 1 आप कैरी में ले जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट नंबर आपका है 1, तो आप क्या करोगे, क्या 1 इंटू 3, तो ये आएगा 3, 3 प्लस 2 5, तो यहाँ पे आपका आ गया 5। नेक्स्ट नंबर है 3, 3 इंटू 3 9, 9 प्लस 1 10, 0 1 आपका कैरी में। देन आपके पास आया 2, 2 इंटू 2 इंटू 3 ये आपके पास आएगा 6, 6 प्लस 3 9 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और देन 0, 0 इंटू 3 0 रह जाएगा और देन प्लस 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 2। तो यहाँ से आप अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, 2 1 6 0 0 3, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर हुआ कैसे करेंगे,
ऐसे ही अगर आपको इससे इसको 14 के साथ करना है तो आप इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे, फर्स्ट नंबर को 4 के साथ कर दोगे, 15 के साथ करना है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 19 के साथ करना है 9 से मल्टीप्लाई करते हुए ऐसे चले जाओगे, सेम एज इट इज़ ही आप 14, 15, 16, 17, 18, 19 के लिए कर सकते हो। क्लियर?